दोस्तों बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है, और जितने लोगों का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है सभी लोग मुझसे ज्यादा करके एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर मेरे एडसेंस अकाउंट का सीटीआर जो है 20%, 25%, 30% या 40% तक चला जाता है, तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और क्या अगर मेरा एडसेंस अकाउंट का सीटीआर 30%, 40% तक चला जाता है तो क्या सच में मेरा एडसेंस अकाउंट डिजेबल हो जाएगा या नहीं होगा? प्लीज सर मुझे इसके बारे में सही जानकारी दीजिए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका अगर यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है तो आपके एडसेंस अकाउंट का जो सीटीआर है 20%, 25%, 30%, 40% चला जाता है, क्या सच में एडसेंस अकाउंट डिजेबल हो जाएगा या नहीं होगा? वीडियो को ध्यान से देखते रहिए फ्रेंड्स, ताकि आपको एक एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आज आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं, जो बातें बताने जा रहा हूं, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग का जब यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो एडसेंस अकाउंट का एक सीटीआर होता है जिसको बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग जब भी YouTube पे आते हैं तो किसी न किसी एक बड़े यूट्यूबर को फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग के माइंड में क्या होता है कि बड़ा यूट्यूबर जो कोई वीडियो बना देता है, अपनी वीडियो में जो कुछ भी हमें समझा देता है, हम लोग उसी बातें को समझ करके सही मान करके बैठ जाते हैं। यानी दोस्तों बहुत से बड़े यूट्यूबर हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाई है कि एडसेंस अकाउंट का सीटीआर 10% से ऊपर हो जाता है, 15% से ऊपर हो जाता है तो आपका एडसेंस अकाउंट जो है डिजेबल हो जाता है। बट फ्रेंड्स सच्चाई क्या है ये आपको कोई भी नहीं बताता है। तो फ्रेंड्स अब सच्चाई क्या है ध्यान से सुनिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सच्चाई यह है कि यूट्यूब पे कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि आपके एडसेंस अकाउंट का सीटीआर 5%, 10%, 20%, 25%, 30%, 40% से ऊपर चला जाता है तो आपका एडसेंस अकाउंट का जो एडसेंस अकाउंट है वो डिजेबल कर दिया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे लोग क्या होता है कि पूरी जानकारी को नहीं जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपने तरीके से YouTube पे वीडियो बना के एक्सप्लेन करके डाल दिए हैं और उसी वीडियो को जो लोग देखते हैं उसी को सच मान करके बैठ जाते हैं। यानी दोस्तों अगर आप लोग एक यूट्यूबर हैं और आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है तरह तरह की कैटेगरी का हो, मान लीजिए आपका यूट्यूब चैनल टेक्निकल हो, कुकिंग का है, ब्लॉग्स का है, स्पोर्ट्स का है, न्यूज का है, किसी भी टाइप का होगा, तो हर टाइप का अगर आपका यूट्यूब चैनल होगा तो जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है उस पर उसी प्रकार के एड्स भी दिखाए जाते हैं। यानी फ्रेंड्स आप कभी गौर करके देखिएगा आपका जैसा टेक्निकल चैनल होगा या कुकिंग का चैनल होगा आपके मिलते जुलते कंटेंट के जैसा ही आपकी वीडियो पे एड्स दिखाए जाते हैं। यानी दोस्तों जो एड्स आपके वीडियो पे दिखाए जाते हैं उसी से आपका एडसेंस अकाउंट का सीटीआर डिपेंड करता है। बहुत से लोगों का ऐसा सीटीआर होता है कि 2%, 3%, 4% से ऊपर जाता ही नहीं है, और बहुत से यूट्यूबर हैं जिनके एडसेंस अकाउंट का जो सीटीआर है 20%, 25%, 30%, 40% चला जाता है लेकिन फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक कि दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर का चैनल चेक किया है जिनके एडसेंस अकाउंट का जो सीटीआर है 40%, 50%, 60%, 70% तक है, बट फ्रेंड्स उनका एडसेंस अकाउंट डिजेबल नहीं हुआ है, बिल्कुल आराम से बिल्कुल अच्छी तरीके से उनका यूट्यूब चैनल चल रहा है और अपने यूट्यूब चैनल से पैसे भी कमा रहे हैं। यानी फ्रेंड्स आपको अपने माइंड में जो भी आपने गलत फहमियां पाल रखी है, जो भी आपने अपने दिमाग में भ्रम पाल रखा है उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए कि एडसेंस अकाउंट का सीटीआर 10% से ऊपर हो जाएगा, 20% से ऊपर हो जाएगा तो आपका एडसेंस अकाउंट डिजेबल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल होता भी नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स यूट्यूब में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि 30%, 40% से आपका ऊपर जाता है एडसेंस अकाउंट का सीटीआर तो आपका एडसेंस अकाउंट डिजेबल कर दिया जाता है। इस चीज को आपने समझ लिया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका एडसेंस अकाउंट का जो सीटीआर है अगर आपका डिजेबल होता है तो किन कारणों से होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जब आप लोग YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं तो बहुत से यूट्यूबर अभी भी ऐसे हैं कि जिनका YouTube चैनल मोनेटाइज है और वो अपनी वीडियो को खुद देखते हैं। यानी दोस्तों आपका एडसेंस अकाउंट जो है सिर्फ एक ही तरीके से डिजेबल होता है, वो होता है इनवैलिड क्लिक। यानी दोस्तों आप क्या करते हैं, बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जिन जो अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर देते हैं और वीडियो अपलोड करने के बाद दोस्तों अपनी वीडियो को खुद देखते हैं, और बहुत से लोग को अगर मैं उनसे पूछा हूं कि आप अपनी वीडियो को खुद क्यों देखते हैं तो बोलते हैं कि सर मैंने अपनी ईमेल आईडी को चेंज करके देखा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने मोबाइल से या अपनी ईमेल आईडी को चेंज करके अपनी वीडियो को देखते हैं तो भी फ्रेंड्स इनवैलिड क्लिक माना जाता है। और बहुत से लोग दोस्तों ऐसे हैं कि अपने फैमिली के मोबाइल से, अपने किसी घर के मोबाइल से या अपने फ्रेंड्स के मोबाइल के
से अपनी वीडियो को देखते हैं, तो ऐसे में ही दोस्तों आपका इनवैलिड क्लिक के अंदर आ जाता है और इसी के कारण के वजह से दोस्तों आपका एडसेंस अकाउंट डिजेबल कर दिया जाता है, ना कि दोस्तों सीटीआर के हाई होने से। लेकिन दोस्तों बहुत से लोगों ने यह भ्रम पाल रखा है या आप लोगों को गलत जानकारी दे दी है कि सीटीआर हाई हो जाता है तो आपका एडसेंस अकाउंट डिजेबल हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ऐसा कहीं यूट्यूब में लिखा भी नहीं है कि सीटीआर के हाई होने से या कम होने से आपका एडसेंस अकाउंट डिजेबल हो जाता है। दोस्तों आपका एडसेंस अकाउंट डिजेबल सिर्फ एक ही चीज से होता है, वो होता है इनवैलिड क्लिक। और बहुत से लोग दोस्तों ऐसा कहते हैं कि मैंने तो अपने फ्रेंड्स के मोबाइल से देखा है, अपने दूर मोबाइल से देखा, किसी पड़ोसी के मोबाइल से देखा, तो क्यों मेरा इनवैलिड क्लिक के अंदर आ गया। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको बता दूं, गूगल जो है, यूट्यूब जो है, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। यानी फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल में जो ईमेल आईडी चेंज करके वीडियो देखते हैं तो आपका ईएमआई नंबर तक भी ट्रैक करता है। यहां तक कि दोस्तों आप अगर पड़ोसी के मोबाइल से या फ्रेंड्स के मोबाइल से अपने वीडियो को देखते हैं तो यूट्यूब आपकी गूगल जो लोकेशन होता है, जो मोबाइल नेटवर्क जो टावर होता है, लोकेशन होता है, उसको भी ट्रैक करता है। यानी फ्रेंड्स, आपको हमेशा एक काम करना है कि अपनी अपलोड की हुई वीडियो को खुद नहीं देखना है, अपनी फैमिली के मोबाइल से नहीं देखना है, अपने फ्रेंड्स के मोबाइल से नहीं देखना है। दूर किसी लोकेशन आपकी वीडियो कोई देखेगा तो आपका वीडियो जो है इनवैलिड क्लिक के अंदर नहीं आता है। और कभी भी फ्रेंड्स, आप कभी भी दूसरे की वीडियो, अपनी वीडियो को किसी फ्रेंड्स के मोबाइल में अगर देख रहे हैं तो उसको बार-बार ओपन ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स वही होता है इनवैलिड क्लिक। इसी कारण से दोस्तों आपका एडसेंस अकाउंट है डिजेबल हो जाता है। फिर भी दोस्तों बहुत से लोग के माइंड में हो सकता है यह बात नहीं बैठी हो कि कहीं ना कहीं एडसेंस अकाउंट का जो सीटीआर है वो हाई होने से ही हमारा एडसेंस अकाउंट जो है डिजेबल होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपको एक चीज राय दूंगा कि अगर आपको लगता है कि एडसेंस अकाउंट का जो सीटीआर है ज्यादा हाई हो जाता है और हाई होने से ही एडसेंस अकाउंट जो है डिजेबल होता है, तो फ्रेंड्स आप अपने एडसेंस अकाउंट के सीटीआर को मेंटेन भी कर सकते हैं। और उसको मेंटेन करने के लिए दोस्तों आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके एडसेंस अकाउंट का जो सीटीआर है वो 30%, 40%, 50% से ऊपर जाता है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, 24 से 48 घंटों के लिए अपने YouTube मोनेटाइजेशन को ऑफ कर देना, यानी आपकी YouTube की जो वीडियो है उसके मोनेटाइजेशन को ऑफ कर देना है। ऐसे करने से दोस्तों क्या होगा, ये आपका जो मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाएगा तो फ्रेंड्स आपके वीडियो पे एड्स आएंगे ही नहीं, और जब एड्स आएंगे ही नहीं तो बार बार क्लिक होगा नहीं, और ऐसे में दोस्तों क्या होगा कि आपका जो एडसेंस अकाउंट का सीटीआर है ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। बट फ्रेंड्स, यहां पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एडसेंस अकाउंट का सीटीआर हाई होने से या लो होने से आपका एडसेंस अकाउंट डिजेबल हो जाता है। आपके माइंड में जो भी गलत फहमी है इसको आप दूर कर दीजिए, निसंकोच दोस्तों आप अच्छी तरीके से यूट्यूब पे काम करिए, अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करिए और फ्रेंड्स आपका यूट्यूब चैनल भी ग्रो होगा और कभी भी फ्रेंड्स आपको एडसेंस अकाउंट डिजेबल की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि एडसेंस अकाउंट का सीटीआर को हाई होने से या लो होने से आपका एडसेंस अकाउंट डिजेबल हो जाता है या नहीं होता है। वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।